नाम है श्री दिगंबर पूर्णमगिरी। जब मैंने शास्त्र पढ़ा और उसमें यह आया कि जब महाप्रलय होगी तो 12 सूर्यों का ताप इस पृथ्वी पे गिरेगा जी। और मैंने आँख खोल कर देखा तो एक ही सूर्य दिख रहा है, 11 और नहीं दिख रहे। मैंने उनसे तर्क किया कि महाराज ये लिखा है, गलत लिखा है कि 12 सूर्यों का ताप पड़ेगा, एक ही सूर्य 12 कहाँ है। तो उन्होंने कहा बेटा ये सत्य लिखा है, जो वर्तमान में हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये केवल 8% आ रहा है, 92% योजन परत पर रुक जा रहा है, जो अल्ट्रावेटिक किरणें जिसको कहते हैं। ओके। यहाँ केवल 8 आ रहा है विटामिन डी को लेकर रेडियम से युक्त होकर। जब योजन परत फट जाएगा टूट जाएगा तो 12/96 डिग्री जब तापमान आएगा तो 12 सूर्यों का ताप पड़ेगा, ये पूरी पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। नागा का स्वरूप है जी, ये महादेव का स्वरूप है जी, एक बालक का स्वरूप है जी। बालक में क्या चीज नहीं होती है, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं सुहावा। तो बच्चे के दिल के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है। वो नंगा किस तेरी गोद में बैठ जाए, नंगा उसकी गोद में बैठ जाए। तो नागा का रूप एक बालक का स्वरूप होता है जिसके अंदर से विकार रहित हो जाए, उसका नाम नागा है, संन्यासी है, संन्यासमया, तीनों गुणों से रहित हो जाना। ये जो गांजा भांग है ये क्या करता है, तुम्हारी मनोशक्ति को जो है बुरे कामों से डरा देता है, या तो कोई यूज करके देखे। दारू जो है वो तुम्हारी मनोशक्ति को उत्तेजित करता है, पिछली बातों को याद दिलाता है। दूसरा तुम्हारी जो है भांग गांजा तुम्हारी काम वासनाओं को जो है दबा देता है। मेरे पास एक डिश है और जो चुटिया होती है वो एंटीना है, जो तुम्हारे जो यहाँ से कुछ तरंगे बाहर को जाती हैं, कुछ अंदर को आती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 सुकृत के घोड़े हैं और बुद्धि रूपी उसमें लगाम है और ज्ञान रूपी चाबुकर बोलने वाला उसमें स्वयं सारथी कृष्ण है। तो आज हमारी संस्कृति बदली गई, या आज हमारे लड़के लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, न मुसलमानों की संस्कृति है, न हिंदुओं की खड़े होकर पेशाब करना। जैसे अगस्त मुनि ने 3 चलू में समुद्र पी दिया, मैंने पूछा महाराज वो मावा जी का कितना बड़ा पेट था, वो पृथ्वी पर रहता था क्या, पृथ्वी से बड़ा था उसका पेट जो सारे समुद्र पी गया। मैंने कहा नहीं बेटा, वो एक साइंटिस्ट थे उस काल के, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा केमिकल डाल दिया कि पानी के 2 भागों में बढ़ गया, H2O हो गया और वो आकाश में उड़ गया। आज का जो नौजवान है ये साइंसवादी है, ये हमारी भौतिकवादी और जो हमारी धार्मिक आध्यात्मिक बात को नहीं मानेगा, इसको तुम साइंस के द्वारा आध्यात्मिक को मनवाएगा तो मानेगा। जैसे मैं सूर्य को जल दे करके मैं हर बीमारी का इलाज कर देता हूँ, बताओ कैसे? कैसे बाबा? सूर्य उदय हो रहा है, ये जैसे सूर्य मान लो इसको जी, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हम दोनों एक ही डिग्री पर हैं जी, सीधा इसकी जो किरण आ रही है वो सीधी आएगी जी। मैंने स्नान किया जी, मेरा बदन गीला है जी, और मैंने तांबे के लोटे में जल भरा तो तांबा कॉपर है, कॉपर में जब जल भर गया तो कॉपर वाटर हो गया राइट, और मैं अपने सिर के ऊपर से गिराया जी, और सूर्य का प्रकाश उसमें विटामिन डी रेडियम को लेकर टकराया जी, तो क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा, 7 कलर बनेंगे, जो हमारे 7 कलर सूर्य के 7 घोड़े हैं। अब उसमें जो हरा रंग है क्लोरोफिल का है, जो पत्तियों में पाई जाती है, विटामिन डी और रेडियम से लैस है, वो मेरे मस्तक पे, मेरी आँख पे, मेरे कंठ पे, मेरे हृदय पे, मेरे फेफड़े पे, मेरे लीवर पे, मेरे पित्त पे, मेरे आमाशय पे, मेरे गुर्दों पे, जब वो गिरेगा क्या करेगा। ऐसे 6 रंग कलर और बचे हैं, बैंगनी है, ऑरेंज है, नीला है, तो ये क्या करेंगे, किस चीज़ के प्रतीक हैं। जब हरा रंग क्लोरोफिल का है और डॉक्टर कहता हरी पत्तियाँ खाओ, सब्जियाँ खाओ, उसमें आपको आयरन मिलेगा, तो अब वो जो विटामिन डी से जो हरा रंग पैदा हुआ है सूर्य की किरण से कॉपर वाटर में, वो क्या करेगा, कोई वैज्ञानिक बताए तो सही मुझे। एक अमेरिका का चेला है, एक रूस का है, वो मेरे भक्त बने हुए हैं, हरिद्वार में क्या वो कोई जल दे रहा होगा सूर्य को, वो भी अपने ऐसे से फेंक रहा है, मैं बैठा देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है। मैंने उसको बुलाया तो मैंने यही फार्मूला उसको समझाया, वो मेरा शिष्य बनकर बोला ओ ये तो साइंस, मस्तिष्क पर तिलक क्यों लगाते हो इस जगह पर, पहले लगता है पीला, फिर लगता है लाल, फिर लगता है सफ़ेद, 3 कलर क्यों लगते हैं, काला क्यों नहीं लगता, चौराहे पे 3 बत्तियां हैं जी, देखा होगा जी, लाल क्यों है, फॉर डेंजर स्टॉप, खतरा है या डेंजर, अरे तुम खड़े हो जाओ, खतरा है जी, पीला देखो चलना नहीं है, हाँ, देखो रेडी रहो देखो, और सफेद चल सफेद
सफेद तो उसमें हाँ चावल लगा रखे ना मेरे सफेद, हाँ वहाँ हरा है, वहाँ हरा है, रेडी टू गो, गो या हरा गो है, सफेद अगर युद्ध हो रहा है, गोलियां चल रही है, सफेद झंडा लहरा दिया जाए, पीस शांति का प्रतीक है। चावल ठंडा होता है और हमारी यहाँ पर सुषुम्ना नाम की नाड़ी है जी, लाल कलर है कि तुम इस योग संयोग में आके तुम बैठ सकते हो कि नहीं, ये माहौल तुम्हारे योग्य है या नहीं, या जुआ चल रहा है या शराब पी जा रही है, क्या तुम बैठ सकती हो? देखो पीला कलर है, देखो आना नहीं जाना नहीं, देखो ओ खतरा है या ठीक नहीं है, चलो वो सफेद शांति क्या यहाँ शांति है, बैठ सकते हैं। तो ये हमारी जो है संस्कृति में एक वैज्ञानिक है, जब हम खाते हैं गैस बनती है, तो चावल जब पानी भीगे में ठंडा हो जाता है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर जब लग गया है तो उस नाड़ी को ठंडा करने लग गया है, उस नाड़ी से कोई गर्म गैस को प्रचढ़ने नहीं देगा और हमारे सिर ब्रह्मांड में हमारे सिर के अंदर कोई ऐसी वायु गैस जाकर तुम्हारे सिर को परेशान नहीं कर सकता है। तो मेरे पास जितने हमारे शास्त्र पुराण ग्रंथ हैं ये साइंस है, मैं साइंस के द्वारा इन वैज्ञानिकों को समझा सकता हूँ और रगड़ा सकता हूँ। कहा जाता है कि नागा बाबा जो हैं वो कुंभ मेले के बाद विलुप्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं, जैसे हम गंगोत्री धाम हिमालय में रहते हैं जी, वहाँ मुझे हिमालय पसंद आया जी, क्यों कि तुम गर्मी से बचने के लिए तुम्हारे रूम में एसी लगी है जी, ठंडा पानी पीने के लिए तुम्हारे पास कृत्रिम जो है फ्रिज लगा है जी, हवा लेने के लिए तुम्हारे को पंखे या कूलर जो है कृत्रिम लगे हैं, लेकिन भोलेनाथ बाबा ने मेरे लिए नेचुरल एसी लगा रखी है और नेचुरल फ्रिज लगाया है, नेचुरल पंखे लगे हैं, जो मैंने सब कुछ त्याग दिया, छाती में तो मैं कुछ लेके नहीं जा सकता हूँ, चाहे मेरे पास अरबों खरबों रुपया हो जी, खाऊंगा मैं उतना ही जितनी मेरी पेट के अंदर भूख है, पढ़ना लिखना ये तो सहज चातुरी, काम धैन मन बस करना गगन चढ़ना मुश्किल, काम धैन मतलब अपने वीर्य को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना और अपने प्रमाण प्राण को ब्रह्मांड में यहाँ ले जाना, ये खोपड़ी क्या है, ब्रह्मांड है, उसको कहते हैं समाधि, सारे शरीर के प्राणों इकट्ठा करके इस ब्रह्मांड में मस्तिष्क में ले जाके बैठ जाना, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं उस गुफा के अंदर, ये तीन वस्तु मुश्किल है बाकी सब आसान है। अपरिग्रह मतलब उतना रखो जितना तुम्हें आवश्यकता है, अधिक मत रखो, और मेरा दावा है कोई कितना योग कर ले कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्यों, खान पीन तुम्हारा केमिकल, वायु में तुम्हारा केमिकल, पानी में तुम्हारा केमिकल, अब जो तुम्हें आरओ का पानी नहीं पी रहे हो उसके पानी के गुण ही नष्ट हो गए सब, उत्तर को सिर करके सोना क्यों मना किया है साइंस ने, हमारे सांस भी मना करते हैं, हम उत्तर को सिर करके सोएंगे दक्षिण को पैर करके, हम जब उठेंगे तो हमारी दृष्टि कहाँ, दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण में यम का वास होता है, और जब दक्षिण को सिर करके सोएंगे तो हमारा मुंह उत्तर को जाएगा, उत्तर हिमालय है, भगवान शिव का कैलाश है, साइंस कहता है कि पृथ्वी के उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, पृथ्वी कैसी है पता है, तेरा सिर सेम तेरा चेहरा 23.5 डिग्री के अंश पर है, ये थोड़ी सी चुटिया नाप लेना अपनी प्रकार लेकर के, तुम भी नाप लेना मैं भी नाप लूँ, चाहे ये थोड़ी सी चुटिया 90 पर नहीं है, ऐसे तिरछी झुकी हुई है ये चुटिया, ये ठोड़ी है 66.5 डिग्री कोण बनाती है, तो ये जो चुंबक मैग्नेट पावर है उत्तर से नॉर्थ से साउथ तक, हम जब सिर उत्तर की तरफ करेंगे तो ये नॉर्थ है, वो नॉर्थ है, नॉर्थ को नॉर्थ धक्का मारेगा तो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे हार्ट में डिस्प्लोजन होगा और बैलेंस बिगाड़ेगा, इसलिए साइंस में कहता है कि उत्तर की ओर सिर मत करो, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि उधर मत करो, नीचे उधर दक्षिण की तरफ यम का वास है, उनकी तरफ दृष्टि पड़ती उठते ही, मतलब एक कहने का फर्क है, एक चीज़ एक ही है, आज हमारे पास योग की विद्या थी वो गायब हो चुकी है, अब तो जो थोड़ा सा कोई एक चूहा था वो दुकान में गया उसको एक हल्दी कंकर मिल गया, बोला हम पंसारी हो गया है, हल्दी मिल जाने से पंसारी बन गया, जो पीटी स्कूल में कभी किया होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल, हाँ जी, उसी को योग कह रहे हैं, योग क्या है, भगवान कृष्ण के पास था, उज्जैन गए थे संदीपनी ऋषि के पास सीखने के लिए, एक ही समय में 16,808 रानों के साथ बात कर रहे हैं अलग अलग रूप, योग से अनेक रूप बन सकते हैं, योग हनुमान जी के पास था, जब लंका में घुसे हैं तो मच्छर का रूप बनाया उन्होंने, मच्छर के समान रूप धर कपि, मच्छर के समान, जब सीता के पास गए छोटे से बनकर तो पूछा क्या तेरे जैसे ये सब, कि हाँ
फिर तो श्रीलंका पे विजय पाना असंभव है। तो हनुमान ने पहाड़ का जैसा रूप दिखाया, हिमालय जैसा, सर्जमीन करना, अपने प्राण को निकाल के मुर्दे में डाल देना, उसको प्रकाया प्रवेश कहते हैं, जो आज है ही नहीं, लुप्त हो गई। जो जानता उसने किसी को बताता नहीं है। अगर उसका कोई शिष्य है उसको बताना चाहो, उसको जिज्ञासा नहीं उस शिष्य को सीखने के लिए।